Welcome back everyone to our Goa vlog number 2. Today we explored 3 places in South Goa in just one day. So let's go! We love to show you these 3 places. Good morning everyone! Welcome back to our YouTube channel. So, आज हम आपको लेके जाएंगे साउथ गोवा में द केव, विच इज अवर फेवरेट प्लेस इन साउथ गोवा. मतलब हम दोनों वहां जा रहे हैं. अभी टाइम हुआ है, इट्स 9:30 AM एंड वी आर गोइंग देयर फॉर लंच, सॉरी ब्रेकफास्ट. उनका हर साल हम यहाँ आते हैं और हम साउथ गोवा में द केव जाते ही जाते हैं. सो ये है साउथ गोवा के रास्ते. हम पहुंच गए, एज यू कैन सी दिस इज द केप गोवा. एंड ऐसा है यहाँ पर, अगर आप व्हाइट शूज डाल के आ रहे हो जस्ट लाइक अस तो पूरे रेड हो जाएंगे, जो हमें बहुत दुख है इस बात का. आपने बहुत पिक्चर्स में देखा भी होगा, ये वाला स्पॉट तो बहुत ब्यूटीफुल है. इसके बाद हम नीचे जाएंगे. लुक एट दिस. सो दिस इज द केप इन काबो दे रामा, साउथ गोवा. Trust me, this place is truly beautiful. If you are coming to South Goa, don't forget to visit here. पहुंच गए केप. Yes. और अब अच्छे से कुछ ऑर्डर करेंगे. ये है द केप गोवा. दिस इज द केप गोवा. गाइज वो देख सकते हो आप, वो कहते हैं स्लीपिंग बुद्धा, वो देखो. सो इसे स्लीपिंग बुद्धा बोलते हैं. और ये है हमारा, यहीं हमें काबो दे रामा बीच जाना है और हम कायकिंग यहीं करेंगे. बट दिस इज अमेजिंग. ये भी एक बहुत अमेजिंग रिजॉर्ट है, तो आप यहाँ पर भी आ सकते हैं. यहाँ की बहुत बढ़िया, मतलब यहाँ पर आके सीधा एक बाली वाइब आती है. हाँ एग्जैक्टली, अगर आप बाली की जगह गोवा आ जाते हो तो आप यहाँ पर आके बाली वाला फील ले सकते हो. से जा रहे हैं द केप से काबो दे रामा से. अब देखते हैं आगे का क्या प्लान बनता है. दिन के टाइम पे इतनी ज्यादा गर्मी है यार, मतलब गर्मी नहीं हवा चल रही है, बच्चों पाल चिपक रहे हैं, गाड़ी वेरी इरिटेटिंग. चलो पूरे इसमें आप देख रहे हो. तो इफ यू आर प्लानिंग टू कम हियर डोंट वेयर वाइट शूज गाइस, बुरा हाल हो जाएगा. ये देखो शिवम के जूते दिखाती हूँ. ये लो जी, ये लो देखो. ये देखो ये हाल होता है यहाँ पर जूतों का. और सो नाउ वी डिसाइडेड कि हम जाएंगे कोला बीच. प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा सा गर्मी ज्यादा है और उससे थोड़ा मूड ऐसा हो रहा था कि रिजॉर्ट चलते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं. फिर हमने सोचा नहीं यार कोला बीच निकलते हैं. और अब मैं ड्राइव कर रही हूँ तक मतलब एक्टिव हो जाऊँ. सो दैट्स व्हाई आई एम ड्राइविंग. लुक एट द रोड, आई एम गोना हिट द रोड. सो
एक राइट टर्न लिया है कोला बीच के लिए, और ये बुलबुलु ये हमारे को बता रहा है, मगर कोई चक्कर नहीं है। तो यहाँ से रोड बहुत टाइट है, मगर कोई बात नहीं, थोड़ा ऑफ रोडिंग है, धीरे धीरे चलेंगे, कोई बात नहीं, देखी जाएगी जो भी होगा। अरे यार, relax yourself and fasten your belt because we're going to नींद भी सब उड़ गई मेरी, यही चाहती थी, मुझे सुस्ती आ रही थी ना। ओह माय गॉड, सो गाइस अब हम आ गए हैं कोला बीच पे, एंड एज यू कैन सी मैंने फुल हैट डाली बिकॉज अभी गर्मी है, और मैं वैसे अम्ब्रेला लेके आई थी और अभी वो मिल नहीं रहा है, तो ये अम्ब्रेला ही है मेरे लिए, मेरा छोटा है अम्ब्रेला। क्यों तो अब हम जा रहे हैं कोला बीच, और यहाँ की जो काइकिंग है बहुत बुरी हो रही है वापिस में, तो सबके यहाँ पर वो है शैक्स है, सब चाहते कि हम उनसे लें। सब बोलते हैं कि काइकिंग पूरे गोवा की सबसे बेस्ट यहीं पे होती है, तभी हम यहाँ पर आए हैं स्पेशली कि आपको अगर दिखाएंगे तो सबसे बेस्ट दिखाएंगे। हाँ, सो यहीं से जाना है क्या हमें? तो ये है पूरा जंगल एरिया, तो ये हम अभी जा रहे हैं, कहाँ तक है अच्छा ये है, अच्छा वो नीचे है, ये सीढ़ियाँ नीचे और फिर वो सामने ना। काइकिंग कहाँ होती है यहाँ पर? नीचे बैक वाटर में। सो काफी ज्यादा गर्मी है और कहाँ की जा काइकिंग होती है? काइकिंग छावे। अच्छा अच्छा है ना, गर्मी और सीढ़ियाँ है स्ट्रेट लिफ्ट। तो गाइस ऐसे है, ये पूरा देख सकते हो, पूरी एकदम खड़ी सीढ़ियां देख रहे हो, ऐसे खड़ी सीढ़ियां एकदम। सो गाइस बहुत ही देख के ना इतनी शांति से मिल रही है सामने, एंड दिस इज कोला बीच। ओ लुक एट दिस। हाँ क्या? अच्छा ओके, और खाली है अभी। हाँ सही बात है, वैसे यहाँ रश होता है भैया। आपका नाम क्या है? रामनाथ। रामनाथ ठीक है, इन्होंने हमें बताया यहाँ पर है, हमारे साथ साथ आए हैं। अच्छा इसीलिए आप, हम आपको पता था हम काइकिंग करने आ रहे हैं। अरे ये काइकिंग करवाते हैं नहीं, पर हम समझ गए थे। सी गाइस सो दिस इज गोना डू दिस, एंड अभी बिल्कुल भी रश नहीं है, सो हम फुल एंजॉय करेंगे ना। अच्छा ये बिल्कुल गहरा नहीं होता ना पानी? मतलब नहीं डूब नहीं सकते, मतलब नहीं डूब नहीं सकते ठीक है, सो डूबने का कोई चांस नहीं है गाइस, नो चांस। चांस पे डांस मारे रे। ठीक है ना, सो हमें ये सिखाने वाले हैं कैसे करेंगे। ओ देखो पैडल पकड़ के दिखा। हाँ ऐसा लेफ्ट मारा ना। हाँ तो राइट पे जाएगा, राइट पे। सो गाइस हियर वी आर, हियर वी आर। हाँ जी
कैसा है भाई, मजा आ गया। गले जा रहे, गले जा रहे, गले जा रहे, मजा ही आ गया यहाँ पर। मस्त ट्राई है, मतलब थक भी गए और हम ज्यादातर पहाड़ के कोने में ठुक रहे हैं। पक्का है। मगर कोई बात नहीं, ऐसे ही हमें आएगी। इधर लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। ओके, इंस्ट्रक्टर इज अ बिट स्ट्रिक्ट। रिक्शा मैंने मोड़ दिया ना, राइट मोड़ दिया ना, राइट मोड़ दिया क्या? सही, राइट सुनाई दे रहा है, बेरा नहीं हूं मैं। बिल्कुल सही। नाउ यू कैन सी, हम देखते हैं अब हम कब क्रैश करते हैं। ये काफी अच्छा चला रहे हैं और वो थोड़ा फंस चुके हैं वहां पर। दे ट्राइंग देयर बेस्ट। ऐसे ही पहले शिवम और मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा था। अब हम यू टर्न ले रहे हैं, यू टर्न, यू टर्न। यस यस, वेरी गुड। और ये फंस गए, फंस गए। नाउ वी हैव टू पुश आवरसेल्फ लाइक दिस। सो अब हमने ले लिए ड्रोन शॉट्स एंड नाउ वी आर गोइंग टू ईट समथिंग। वहां पे मुझे दिख रहा है वो रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट है ना भैया वो? हाँ, सो नाउ वी हैव सम ऑप्शन, वी कैन गो देयर एंड हैव समथिंग। अच्छा, मॉर्निंग अगर किसी ने भी आना है, ये 6 बजे तक ओपन रहता है और इतना मज़ा आया। आई थिंक कोला इज द बेस्ट फॉर काइकिंग। वैसे कोला में भी है और दूसरी जगह कहाँ है शिवू? हाँ, काबू दिरामा। यस, बट आई थिंक कोला इज बेस्ट। सो ये है यहाँ पर, किसी को काइकिंग करनी है तो आप इनसे मिल सकते हैं। मैं इनका नंबर, यस मैं इनका नंबर मेंशन कर दूंगी। आपका नाम बता दो आप? राजन पागी। यस, सो आप कोला में आते हो, आप इनको डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, मैं नंबर डाल रही हूँ, ठीक है? सो गाइज, यहाँ पे रूम भी है, अगर आप चाहें यहाँ पे रूम भी ले सकते हैं। हमें पता नहीं था अदरवाइज 100% यहाँ पे स्टे करते, बट हमारा ऑलरेडी वर्क है एज यू ऑल नो। सो अभी हम सबसे पहले जाने वाले, पक्का मज़ा आया, फुल एंजॉय करा मैंने काइकिंग में। फिर से कर सकती हूँ यार, अलग एक्टिविटी, मतलब ये लिटरली एक्सरसाइज की है हमने आज यार। ये बहुत ज्यादा पानी फ्लो है। सो अब हम जा रहे हैं वापस और इतनी खड़ी सीढ़ियां है ना यार, मैं कैसे बताऊं, बहुत ही ज्यादा। और हमने बस थोड़ा बहुत कुछ खाया है यहाँ पर और उसके बाद अब जा रहे हैं सीधा ऊपर। अरे भाई, बहुत चढ़ाई है, ये देखो ऐसी है एकदम, बुरा हाल हो गया चल चल के। और हाँ जी, थकान हो गई, धक 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 हो रहा। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं, मतलब गर्मी होती है ना तो इसलिए थोड़ी सीढ़ियाँ भी ज़्यादा लगती हैं। पूनम के बुरे हाल हो गए नीचे से ऊपर आके। शाबाश, तू कर सकती है। जगह जहाँ हम नींबू पानी पीने वाले हैं। यस हाँ।
पूछ रहे स्वीट और सॉल्टी लो नहीं आई थॉट यू वांट सॉल्टी वन ये देखो ठंडा एकदम ठंडा कैसी है ये देखो इन्होंने बोला था ना ठंडा है ठंडा तो मैंने क्यों ले लिया वो क्या मेरे को फिर यही पीना तो लो ना ये क्या दिक्कत है नहीं मैं वो भी पीऊंगी ना तो दो बोल दे वो अभी पहले टेस्ट कर लेते हैं सो ये है शैक जैसे यहाँ से नीचे उतरते कोला बीच के लिए सो हम यहाँ आए हैं बिकॉज हम सो यहाँ पे मिला है हमें ठंडा ठंडा नारियल पानी तो अगर आप लोग आओ यहाँ से नारियल पानी पी सकते हो सो हम जा रहे हैं अब हम जा रहे हैं अगोंडा बीच यस गाइस अगोंडा बीच आपने देखा होगा ये अगोंडा बीच सो अब आपने देखा होगा एक दिन में अब हमारा ये थर्ड पॉइंट है जहाँ हम जा रहे हैं सो पहले सबसे पहले हम गए आज द केप गोवा उसके बाद हम वहाँ पर ही नीचे जा सकते थे काबो दे रामा में वहाँ हम नहीं गए बिकॉज हमें लगा नहीं वहाँ जाने के लिए फिर हम आए यहाँ पे कोला कोला इज मस्ट विजिट है ना इट्स अ ब्यूटिफुल बीच और उसकी जो पीछे कायाकी होती है कायाकिंग होती है दैट इज अमेजिंग आई थिंक कोला इज बेस्ट एंड हम दूसरी जगह भी सोच रहे थे कायाकिंग का दूसरी जगह थी काबो दे रामा तो हमारा है काबो दे रामा का प्लान अभी फिलहाल नहीं अभी देखते हैं मगर पहले अब अगोंडा जाते हैं और अगोंडा भी बहुत बढ़िया बीच है इट्स 5 पीएम नाउ वी आर गोइंग टू अगोंडा बीच अगर हम चाहे उसके बाद हम कहीं और भी जा सकते हैं बट फिलहाल हमारा इवनिंग वहीं पर हम स्पेंड करने वाले हैं अगोंडा में फिर बाकी चीजें कल के लिए छोड़ेंगे नहीं तो कल के लिए कुछ बचेगा नहीं सो हमारा कल का भी बड़े सारे प्लान्स हैं अभी वो सब छोड़ते हैं वो कल ही दिखाएंगे सो अभी हम जा रहे हैं आई थिंक यही है दीदी अगोंडा बीच के लिए अच्छा यही तो है वाओ दिस इज नाइस लुक एट द टेबल दैट इज सो नाइस चले भैया गोंडा 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 बीच ये कहाँ रोक रहे पीछे वाला ज्यादा अच्छा था यार जो पीछे टेबल था वो दैट वाज नाइस कौन सा पीछे एक टेबल था लकड़ी का वो बड़ा ही अच्छा था बड़ा ही अच्छा था यार वो बड़ा अरे बड़ा अच्छा था तो हम क्या करें गाइस आई होप यू कैन सी एक दिन में जब बंदा इतना कुछ करता है तो उसको टैनिंग हो जाती है ऐसे ही जैसे हुई है मुझे दी बेयर गोंडा यहां चलना है कहां चलना है द बेयर गोंडा वो पीछे था ना वहां पर एक मैं बोल रही थी वुडन टेबल है बड़ा सेक्सी सा वहां चलते हैं उधर था उधर देखिए पीछे देखिए मैं क्या देखूँ पीछे बस सो कपड़े तो चेंज करने ही पड़ेंगे क्यों कपड़े चेंज करने पड़ेंगे बिकॉज इतनी ज़्यादा गर्मी होती है ना गर्मी हो जाती है कि ऐसा होता है फटाफट चेंज करो सो ड्रेस के ऊपर ड्रेस ही डालनी है नथिंग एल्स रेस्टोरेंट भी है यहाँ पे रेस्टोरेंट नहीं है मैंने तो यही सोचा था मैंने ये देख के ये टेबल कहाँ पर होगा ये मैंने ये टेबल देखा ना इनका ये टेबल मुझे इतना सही लगा देखो है ना अमेजिंग खूब बहुत बड़ा है ना ये वारका जैसे ये यार ऑल बीचेस आर सेम यहाँ है कुछ खाने को खाना हो तो यहाँ पे क्या अच्छा सबसे पहले हम इस जगह पे आए हैं और यहाँ पे काफ़ी कुछ है ऑप्शंस देर आर सो मेनी गुड ऑप्शंस सो हम ना इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे सबसे पहले वी गोना ईट हियर सो ये है ट्रॉपिकल टेस्ट सो यू गाइस कैन कम हियर एंड बिल्कुल सामने इट्स वेरी क्लीन सो गाइस दिस इज अगोंडा बीच बहुत ही अच्छा है तो हाँ एंड हम यहाँ से आए डायरेक्ट इधर चले गए बिकॉज ये सारे रिजॉर्ट्स है राइट उसके बीच में एक ये ट्रॉपिकल टेस्ट है और आई एम 101% श्योर इनके पास अच्छा होगा ये जहाँ पे हम आए हैं वहाँ पे स्पेशल ये जूसेस मिलते हैं बताना ये किडनी स्टोन के लिए कोल्ड के लिए कॉन्स्टिपेशन के लिए चक्कर के लिए हैंगओवर नर्वसनेस मेमोरी लॉस अल्सर डिप्रेशन जिसको जो भी है उसके हर टाइप का यहाँ जूस मिलता है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है ये आ गया है वाओ इट्स लुकिंग नाइस अनकी कम डोसा ज्यादा लग रहा है यहाँ
बटरी डोसा ही तो है। और ये चॉकलेट शेक कम स्ट्रॉबेरी शेक ज्यादा लग रहा है, कैसा लग, क्या लगता है कैसा होगा? चल जो भी लग रहा है तेरे को कुछ तो ज्यादा लग रहा है ना, तो तू ज्यादा जो लग रहा है उसको देख। अच्छा जी, लेट्स ट्राई। एंड फाइनली वी अराइव्ड एट दिस ब्यूटीफुल बीच बाय नेम अगोंडा। इट वाज ट्रूली वेरी वेरी ब्यूटीफुल एज यू कैन सी। हैव अ लुक। सुंदर बीच है, इतना साफ पानी है यहाँ पे और इतना मतलब ज्यादा क्राउडेड भी नहीं है, तो ये बेस्ट मस्ट विजिट एग्जैक्टली। और इसी के बैक साइड में यहाँ पे कियाकिंग भी होती है, हमें नहीं पता था। और ये कह रहे हैं कि सबसे लंबी कियाकिंग है यहाँ पर। सो हम गए थे कोला बीच, सो हम एक बार चेक करने जाएंगे और वो हम आपको बताएंगे। अब हम व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं कल अगले व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब आपको मिलते हैं कल एक बढ़िया से नए व्लॉग में।